नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड के समीप प्रवासी मजदूरों को लेकर बांदा आ रही प्राइवेट बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित बस के पेड़ से टकरा जाने के चलते बस में सवार 23 यात्रियों में 7 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने सभी यात्रियों को बाहर निकाल घटना की जाँच शुरू कर दी है। इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई है। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रति जन जागरूकता लाने की डिस्ट्रिक्ट नगर पालिका सभा सभासदों एवं विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ बैठक गांधी प्रेक्षागृह में संपन्न की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त सभासदों और धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस की सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने, अपने वार्डों और समुदाय के लोगों को प्रेरित करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा आगामी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को वृहद टीकाकरण विशेष अभियान हेतु गांधी स्टेडियम में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में LIC भवन परिसर में ही एक अधेड़ व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ही क्षेत्र अधिकारी मैनपुरी पुलिस बल के साथ पहुंचे, पूरे मामले की जांच पड़ताल की और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की जेब से एक प्रार्थना पत्र भी मिला है। कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों की जाने गई हैं। ऑक्सीजन की कमी से अब लोगों की मौतें ना हो, इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। बदायूं के उझानी कस्बे में गून संस्था ने जन सहयोग से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की, जिसमें कोविड पीड़ित मरीज जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको निःशुल्क ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऑक्सीजन बैंक का शुभारम्भ बीजेपी के राज्यसभा सांसद BL वर्मा ने किया। अब खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं जनपद गाजीपुर के 6 चिकित्सक पिछले कई सालों से चैन की बंसी बजाते हुए ड्यूटी से गायब होकर विभाग की मिलीभगत से प्रतिमा लाखों रुपए का वेतन डकार रहे हैं। इस बात का खुलासा जिलाधिकारी ने अपनी एक जाँच में किया, जिसके बाद सभी चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया और पुतला भी फूका है। घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानून और किसानों की MSP को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन, घरों पर काले झंडे और पुतला जलाकर विरोध लगातार व्यक्त कर रहे हैं। रायबरेली उचार थाना क्षेत्र के सवैया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार बलेरो ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक तिलक समारोह में गए थे, वहां से वापस आते समय सवैया तिराहे के पास तेज रफ्तार बलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन घंटों बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद तीनों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करेली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में महिला का शव मिला। पड़ोसी ने मृतका के भाई को सूचना दी, जिसके बाद 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पति को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार मित्र पुलिस बनने का दावा कर रही है, पर ऐसे मित्र पुलिस ने कई ऐसे चेहरे भी हैं जो ना सिर्फ विभाग की छवि को बट्टा लगा रहे हैं बल्कि खाकी को भी दागदार कर रहे हैं। ऐसा एक मामला रायबरेली से सामने आया, जिसमें तिलक चढ़ाकर लौट रहे 5 युवकों को दारोगा जी ने 3rd degree टॉर्चर कर डाला। पीड़ितों के शरीर में दारोगा जी द्वारा दिए गए 3rd degree टॉर्चर के निशान खाकी को दागदार कर रहे हैं। पीड़ितों की माने तो दारोगा जी शराब के नशे में चूर थे और हम लोगों की बेरहमी से उन्होंने पिटाई की, उनका ऐसा कहना है। पूरे देश में किसान संगठनों द्वारा आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 18 में भारतीय किसान यूनियन टिकट संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता काले झंडे के साथ काला दिवस के समर्थन में नारेबाजी करने पहुंचे, तो वहीं सेक्टर 52 में भी भारतीय किसान संगठन ने काला दिवस मनाया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कौशाम्बी जिले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानून बिल वापस लेने और किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की गारंटी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही और आए दिन अराजकता की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। ऐसा ही अराजकता फैलाने वाली घटना बाराबंकी में हुई, जहां प्रधान पक्ष के 2 उम्मीदवारों के पक्षों के बीच दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई और इस पत्थरबाजी का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पत्थरबाजी में गांव के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की तहरीर पर SC ST का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।